नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप अपने सपनों का नया घर, नया फ्लैट या नया बंगलो परचेस करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे नया घर सिलेक्ट करने में। पहले अगर आप घर सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ की जो लैंड एनर्जी है वो देखोगे, कॉस्मिक एनर्जी चेक करोगे। जैसे कॉस्मिक एनर्जी, लैंड एनर्जी, वह आपके घर और बंगलों के लिए होता है। जो हाई राइज बिल्डिंग है, फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अपने फ्लैट का जो इंट्री है या आपका फ्लैट है उसके अंदर इंटीरियर में जो आपका कार्य किया गया है, जैसे टॉयलेट है, बेडरूम है, किचन है, किन दिशाओं में बना हुआ है, आपको वो विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में अपना फ्लैट सिलेक्ट करते हो तो फ्लैट में आपका जो मेन एंट्री रहेगा वो साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे चार कॉर्नर की एंट्रियाँ होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्रियाँ हैं, ये चार तो मेजर अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है जो अवॉइड करना है, साउथ वेस्ट को आपको अवॉइड करना है। बाकी सभी के आपका जो एंट्री रहेगा वो ट्रीटेबल है। दूसरा, आपके घर के अंदर, फ्लैट के अंदर टॉयलेट किस दिशा में आ रही है वो शायद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। बाकी और कहीं भी रहेगा आप उसको सुधार सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं उस घर में किचन, किचन का जो स्लैब है अगर जोन वाइज कलर के हिसाब से है तो आप उसको देखेंगे कि अगर साउथ ईस्ट में किचन है वहाँ पे अगर ब्लैक ग्रेनाइट या ब्लैक पत्थर लगा हुआ है तो आपको वो अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, जैसे आप हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो, क्योंकि ये जो फ्लैट होते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, ये इसमें जो स्टील यूज किया जाता है 16 mm से 32 mm के बीच का स्टील यूज किया जाता है। जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर होते हैं, ग्राउंड से 7 के बीच में, इसमें उस बिल्डिंग का पूरा लोड आ जाता है। क्योंकि वो पूरा समझ लो एक नगर हो जाता है और उस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। अगर आपके घर के अंदर, फ्लैट के अंदर अगर वो बीम आ जाता है तो वो बीम आपके घर में उन स्टील से निगेटिव वाइब्रेशन जनरेट होती है। अगर आप उस बीम के नीचे अगर आपका बेडरूम आता है तो आपको कैंसर, ब्रेन की बीमारियां दे सकती हैं, यहाँ तक हार्ट अटैक भी देता है। इसलिए आप ज़्यादातर 7 फ्लोर के ऊपर ही हाई राइज बिल्डिंग में अपना फ्लैट सिलेक्ट करो। अब हम बात करते हैं, जैसे आप रॉ हाउस या बंगले ले रहे हैं तो आपका जो फ्लैट या आपका घर या बंगलो होगा वहाँ का जो लैंड एनर्जी है वो देखना है कि लैंड के अंदर आपका कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं है, उसके नीचे कोई गड़ा हुआ हड्डी ये सब तो नहीं है। उसको आपको मेजर ध्यान देना है, आपको उसको शुद्ध करवाना है अच्छे से, तब आपके लिए वह घर अच्छा रहेगा। क्योंकि यह जो हम घर बनाते हैं यह बहुत मेहनत से बनता है, इसलिए आपको यह ध्यान देना है। क्यों, और दूसरी बात यह है कि आप घर को बार बार चेंज नहीं करते हो, बार बार खरीदा नहीं जाता, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर ये बंगलो और हाउस में भी आपको पूरा वही देखना है कि साउथ साउथ वेस्ट में आपका मेन डोर ना आए,
नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट ना आने पाए। दूसरा, अगर आप अपना बेडरूम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने जन्मपत्री और अपनी पत्नी की जन्मपत्री के हिसाब से या तो एंट्री चूज करो किसी एक के नाम से, दूसरे के नाम से। आप बेडरूम अगर सिलेक्ट करते हो, जैसे आप अपने हिसाब से घर की एंट्री ले लो, फिर आपके वाइफ के हिसाब से आप बेडरूम चूज करो, या तो आप वाइफ के नाम के हिसाब से आप एंट्री लो और अपने हिसाब से बेडरूम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके घर में आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर जो दूसरे नंबर पर है, अगर आपका घर का एंट्री साउथ साउथ वेस्ट में है तो यह जो एंट्री है आपके घर का कर्जे का कारक होता है, घर परिवार से आपको अलग कर देता है, आपके घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस एंट्री को अवॉइड करिए। और उसका वास्तु में कोई उपचार नहीं है, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, तो उसका भी उपचार नहीं हो पाता है, रिजल्ट नहीं आते हैं आपके घर में। जो है ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं, इसके लिए आपको ये घर सेलेक्ट करने समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार।